जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ की है, बाकी मतलब कॉलोनी या बाकी इलाकों की है, इनका पूरा वेस्ट जो है यहाँ पे जमा किया जाता है। और आप देखते हैं यहाँ पे वाटर बॉडी भी है, यहाँ पे दूध गंगा का दरिया है, तो जब भी यहाँ बारिश होती है वगैरह होती है, तो इसका पूरा जो इसका फुजला है वगैरह है, सब इस पानी के अंदर जाता है। खाली यहाँ की बात नहीं है, जितने भी यहाँ की पॉपुलेशन दूध गंगा के आसपास में रहती है, चाहे चाडोरा में है, चाहे माथोरा में हो, चाहे ग्रालपुरा है, या उसके क्या बोलते बाकी इलाका जाते हैं, तो इसका पूरा जो वेस्ट है इसी के अंदर जाता है। आमतौर पे हमको ये पता है कि खाली श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये काम है, म्यूनसिपल कमेटीज़ का काम है, म्यूनसिपल काउंसिल्स का काम है, बट आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब मैंने उनसे पूछा व्हाट इज द मैंडेट गिवन टू जेएंडके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ने बताया टू एंश्योर एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स थ्रू लोकल बॉडीज एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट रूल्स कोऑर्डिनेशन विद कंसर्न स्टेक होल्डर्स। इंश्योर एनफोर्समेंट, आप बताइए कहाँ एनफोर्स कर रहे हैं। गुजारिश करते हैं आपकी बसादत से कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मैंडेट है, मुझे लगता है उनको अपने मैंडेट पे पूरी तरह से उनको इस मैंडेट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जितना भी इसमें छोटे छोटे काम हुए हैं, बिल्कुल इनके पास इतना सारा बजट है, और गार्डनर्स के लिए काम करे, दो तीन स्कूल्स में काम किया है, दो तीन ये किया है, और जितने भी इसमें एक्टिविटीज हैं खाली जम्मू प्रोविंस में हुई है, यहाँ पे श्रीनगर या कश्मीर प्रोविंस में एक भी एक्टिविटी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नहीं हुई। जो यहाँ पे कचरा यहाँ पे डंप करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जितना भी आपको वेस्ट दिखता है, मेरे पीछे कचरा दिख रहा है आपको, इसमें 80% कचरा जो है, इसमें 80% वेस्ट जो है ऑर्गेनिक वेस्ट। तो वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे सब्जी का छिलका है, चाहे फ्रूट का छिलका है, चाहे चावल बचा हुआ है, वो अपने घरों के अंदर ही उसको एक खड्डा खोद के वहाँ पे उसको कंपोस्ट कर सकते हैं।